जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF फायरमैन के बारे में और इसमें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को डीबी आप लोगों को अब कराया जाएगा। तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है मुख्य रूप से इस वीडियो में ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दे रहे हैं CISF फायरमैन का रिजल्ट अब जारी हो गया है और पहले पोस्ट 1149 पदों के लिए निकाला गया था लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेरिट बनेगा तो 1725 पदों पर बनेगा आप लोगों का मेरिट। और PhD और PET तो आप लोगों का हो गया था, उसके बाद एग्जाम भी हो गया था आप लोगों को और एग्जाम में UR के लिए और EWS के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए 35 पर मेरिट बना है। एक सर्विस मैन का OBC और SC ST का 33 पर मेरिट बना है। तो ये तो मेरिट के बारे में हो गया, एग्जाम दिए हैं। तो आप लोगों एग्जाम के बाद से आप लोगों को अब बुलाया गया है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है बहुत सारे लोगों का DB के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए DB आप लोगों को कराया जाएगा और टोटल लड़कों का सिलेक्ट किया जाएगा, 1725 लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन्हीं लोगों का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल यदि मेडिकल में कुछ लड़के जैसे 300 लड़के हैं मान लीजिए, अधिकतम 6 ही जाते हैं, तो उन लोगों को नेक्स्ट भर्तियां में बढ़ा दिया जाएगा पदों को। तो ये दोस्तों आप लोगों को होगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट लेकर चले जाइएगा, मार्क सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST और OBC के लिए जो ऑनलाइन कराए हैं वही आप लोगों को सर्टिफिकेट लेकर जाना है। यदि ऑनलाइन नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन करा लीजिए, अभी टाइम भी है। और यदि टाइम भी नहीं, ऑनलाइन सिर्फ करा कर आप रसीद भी लेकर जाएंगे वहां पर और दिखाएंगे तो मान्य हो जाएगा क्योंकि उसमें नंबर आप लोगों को दिखा देगा। तो आप लोग ऑनलाइन करा लीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल, जिसे कुछ और जगह पर PRC बोला जाता है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों को ID प्रूफ में, तो ID प्रूफ में आप लोगों को वही लेकर जाना है आप लोगों को, जैसे में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, जिसमें आप लोगों को मैच करे रोल जन्मतिथि मैच करे। उसके बाद से NCC, यदि आप लोग कोई भी खेल खेले भी हैं, नेशनल का या इंटरनेशनल कहीं भी आप लोग खेले हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होगा तो लेकर जाइएगा। और जो NCC कैंडिडेट हैं उनके पास ABC कोई भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो वे आप लोग को लेकर चले जाना है आप लोगों को। तो उसके बाद EWS के लिए 5% या 10% की छूट मिलती है, उसके लिए आप लोग ऑनलाइन नहीं कराएं तो आप लोग ऑनलाइन करा लीजिए और वे भी आप लोगों को लेकर जाना है। तो ये तो पूरा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दिए। एक आता है डोमिसाइल निवास, आप लोगों को यहाँ पर लिखा भी गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर डोमिसाइल में मुख्य रूप से आप लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का बनता है, तो आप लोग दोनों बनवा लीजिए। केंद्र सरकार का क्योंकि CISF का केंद्र सरकार की जॉब है तो आप लोग केंद्र सरकार के ही आप लोग डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा कर लेकर जाइएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो मैसेज करिएगा, हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कुछ और दिक्कत हो तो बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।